Hello everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well. In today's video, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये traditional makeup look. बहुत दिनों से मैंने traditional look create नहीं किया था. So here we go with this one. In this makeup tutorial, मैं आप लोगों को एक long lasting base करना सिखाऊंगी step by step. With that, आप किस तरीके से एक ड्रामेटिक आई लुक के साथ एक डार्क लिप शेड को फ्लॉलेसली यू नो फ्लो कर सकते हो. आई विल बी शेयरिंग अबाउट दैट. आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल साड़ी. दिस इज़ अ स्टोर परचेज सो आई डोंट हैव द लिंक, बट आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस इयर रिंग. इट इज़ अ चांद वाली इयर रिंग आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. सो ये मेरी करंट स्किन केयर कंडीशन है. यू कैन सी आई डू हैव सम टैनेस बिकॉज अभी जस्ट रिसेंटली मैं घूम के आई हूँ बीच के पास से. एंड यू गाइज नो बीच के पास हम जब भी जाते हैं फेस कितना टैन लगता है स्किन. सो या फर्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस सेरम बाय पेलिग्रिन. ये तमन्नु ऑयल है एक्चुअली. इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग. विद दैट अगर आप यू नो ड्राई एरिया में रहते हो, ह्यूमिड एरिया में रहते हो, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. देन आई विल बी यूजिंग दिस सनस्क्रीन लोशन. ओ माई गॉड, यू आई जस्ट कांट लिव विदाउट सनस्क्रीन लोशन. ये काफ़ी अच्छा रहता है. इसमें वाइटामिन सी भी है, SPF 50 भी है, जो कि आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज. देन मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ बाई द ब्रांड कॉल पैक. ये पैक कॉस्मेटिक्स का लेमन ग्रास ऑयल बेस्ड प्राइमर है, जो कि काफ़ी अच्छा है इफ़ यू आर फ्रॉम ड्राई स्किन. देन मैं अपने आईब्राउज को फिल कर रही हूँ यूजिंग दिस ब्राउ पाउडर. फॉर द फर्स्ट टाइम इन पास्ट 6 to 7 months मैं आज कुछ डिफरेंट यूज़ कर रही थी अपने आईब्राउज के लिए. आई एम अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन व्हेन इट कम्स टू माई आईब्राउज. आई डोंट यूज़ कुछ भी. आई ऑलवेज यूज़ माई जेल आई लाइनर फ्रॉम मेबेलिन, लैक्मे और म्यूजिक फ्लावर टू फिल माई आईब्राउज बिकॉज दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी. बट आज मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो यहाँ पर मैं अपने आईब्राउज को डिफाइन कर रही हूँ. अगर आपने थ्रेडिंग वगैरह नहीं किया है सो इट इज़ अ रियली गुड आइडिया टू डिफाइन योर आईब्राउज. कुछ भी पता नहीं चलेगा, बहुत ही शार्प लगेगा. यहाँ पे सेम कंसीलर यानी कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल एरिया में, अपने पिगमेंटेशन एरिया में, अपने एक्ने मार्क्स के ऊपर, सो दैट उनको अच्छी तरीके से हाइड कर सकूँ. इट इज़ वेरी वेरी थिक फुल कवरेज कंसीलर, सो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है. देन मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ सुगर कॉस्मेटिक्स का. गाइज सुगर कॉस्मेटिक्स का ये जो फाउंडेशन है अभी मार्केट में आना बंद हो गया है. आई थिंक सो बिकॉज मैंने नायका में सर्च किया, आई कुडंट फाइंड दिस वन. तो मैं इसका अल्टरनेटिव फाउंडेशन ऑप्शन जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो देन मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का. एंड पहले मैंने एक न्यूड शेड लिया है, देन मैंने एक डार्क यू नो एकदम ब्लैक शेड लिया है टू क्रिएट अ ग्लिटरी स्मोकी लुक. सो यहाँ पे मैं लॉरियल मैट मैजिक कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई फेस. इसमें SPF 30 है, विच इज़ ग्रेट अगर आप दिन के टाइम डे टाइम में मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो तो ये यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा. मैं सेम ब्लैक शेड को लेके आउटर कॉर्नर पे आईज़ के अप्लाई कर रही हूँ सो दैट मेरे आईज़ जो है खुले खुले लगे. देन मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो लगा रही हूँ. इसमें ग्लिटर्स है तो बहुत ही शाइनी लगेगा, तो इसको लेके मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके क्रीज एरिया तक इसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, ताकि स्पार्कली स्पार्कली वाला फीलिंग दे. यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ. तो आई एम अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन व्हेन इट कम्स टू माय बेस मेकअप. तो बेस मेकअप के लिए मैं हमेशा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एंड मुझे पता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है. उसी को लगा के ही मैं बाहर जाती हूँ. जब मुझे बाहर जाना होता है ना, कोई भी न्यू प्रोडक्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ. सो यू शुड डू दैट ऑल्सो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये फाउंडेशन या फिर पाउडर या फिर ब्लश कैसा काम करेगा. अगर आप वो न्यू प्रोडक्ट यूज़ करके बाहर जा रहे हो एंड आपके ऊपर काम नहीं किया, सो इट विल लुक द वर्स्ट, ट्रस्ट मी. यहाँ पे मैं सेम
पैलेट से कंटूरिंग भी करूँगी। एंड ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ओम्ब्रे ब्लश, काफ़ी अच्छा है। इसमें थोड़ा सा शाइनीनेस है तो डिवी फिनिश देगा। एंड अपनी नोज़ को भी थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ। आज यू गाइस नो मेरी जो नोज़ है काफ़ी छोटी सी एंड फैटी सी है, आई ऑलवेज ट्राई टू शार्प इट आउट। एंड अगर आप चाहते हो तो अपने जॉ लाइन को भी थोड़ा सा शार्प कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन आई एम यूजिंग दिस पैलेट बाय मार्स कॉस्मेटिक्स। इसमें से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ एंड अपने इंटायर फेस को एकदम बॉम्ब कर दूंगी, बिकॉज आज मैं एक साड़ी पहन रही थी जिसमें बहुत ही हेवी वर्क किया हुआ है। एंड जब आप हेवी वाला साड़ी पहन रहे हो थोड़ा सा यू नो हाइलाइटर ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है, यू नो सब कुछ मैचअप लगता है, नहीं तो आपका फेस जो है डल लगेगा एंड आपका साड़ी जो है वो ज़्यादा उभर के दिखाई देगा। सो आप सब कुछ बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ब्लश एंड हाइलाइटर हेवी रखना। सो यहाँ पे आई लुक क्रिएट करने के बाद मैं थोड़ा सा आईलाइनर एंड मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ फॉल्स आईलैशेस पर्सन, लेकिन फॉल्स आईलैशेस लगाने के बाद आई लुक जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर फॉल्स आईलैशेस फॉर द वीडियोज, बट इन रियालिटी आई ऑलवेज गो फॉर मस्कारा, इट रियली लुक्स गुड। सो देन मैं यहाँ पे स्टार स्ट्रॉक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ बाय सनी लियोने। आई रियली लव दिस शेड यू गाइज, इट इज़ समथिंग लाइक मरूनिश काइंड ऑफ शेड, बट इट इज़ सो शाइनी एंड क्रीमी, एंड मुझे क्रीमी फिनिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सो इसीलिए मैं इसको ना अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ अपने एंटायर फेस में। सो उसके बाद ना मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना सेटिंग स्प्रे। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, लेकिन स्पेशली जब आप एक क्रिएट कर रहे हो मेकअप लुक पार्टी जाने के लिए एंड लॉन्ग लास्टिंग बेस क्रिएट कर रहे हो, डोंट मिस योर सेटिंग स्प्रे। आई यूज़ फेसेस कैनेडा और दिस वेट एंड वाइल्ड वन, मेरे पास ये दो ही है एंड मुझे अच्छे लगते हैं, बट जब मैं बाहर जाती हूँ दैट्स इट। घर में मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके उनको अच्छी तरीके से डैप कर रही हूँ, सो दैट सब कुछ जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब कर जाए एंड मेरी जो बेस प्रोडक्ट है वैसे के वैसे ही अपनी जगह पे स्टे कर जाए। एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, विच इज़ द फिनिशिंग पार्ट, बिंदी, इयररिंग्स। एंड मैं आपको अपनी साड़ी की एक लुक दिखाऊंगी कि क्या कैसा काम हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल काम हुआ है, क्योंकि साड़ी इतना हेवी था सो आई थॉट कि मैं जो है ना अपना जो ब्लाउज़ है थोड़ा सा उसको नॉर्मल रखती हूँ, क्योंकि अगर ब्लाउज एंड साड़ी दोनों ही हेवी हो जाएंगे तो डिस्को बॉल लगूंगी। सो दिस इज़ इट यू गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि आज का लुक, आज का वीडियो जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। हमेशा मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए ईजी ब्रीजी सिंपल लुक लेके आऊँ जो कि हर कोई क्रिएट कर सके। इट इज़ अ वेरी ईजी लुक, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। सो गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।